गोवर्धन के चारों तरफ बन रहे बाईपास मार्ग का एसडीएम गोवर्धन और एनजीटी के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने निरीक्षण किया। एनजीटी कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा गोवर्धन के चारों ओर कराए जा रहे बाईपास मार्ग के निर्माण संबंधी विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आज गोवर्धन एसडीएम राहुल यादव और एनजीटी कोर्ट अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे। आपको बताते चलें कि गोवर्धन में एनजीटी कोर्ट ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए जाम से मुक्ति दिलाने के लिए गोवर्धन के चारों ओर बाईपास मार्ग के निर्माण के साथ साथ सर्विस रोड बनाने का भी आदेश जिला प्रशासन को दिया हुआ है, जिसके चलते विगत वर्षों में चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल डीग रोड से बरसाना मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास का कार्य अभी बाकी है, जिसके बारे में एनजीटी कोर्ट अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि अधिकारियों के साथ में उन्होंने निरीक्षण किया है और उनसे जानकारी प्राप्त की है, जिसके आधार पर लगभग 20 जून 2020 तक बाईपास मार्ग और 2021 तक सर्विस रोडों का कार्य संपूर्ण हो जाएगा। एनजीटी कोर्ट में भी हमने सबसे पहले बाईपास और सर्विस रोड को तैयार करने की ही मांग की है, जिससे कि स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान हो सके। आज आपने यहाँ बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया है, क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं पाई है और आगे क्या योजना है इसके बारे में? अभी पिछले ऑर्डर में अपर मुख्य सचिव जो है उनको बुलाया गया है, कोर्ट ने बुलाया है, क्योंकि रिंग रोड और सर्विस रोड का काम में जो है काफ़ी ढिलाई चल रही थी। हम लोगों ने बार बार ये मांग करी है न्यायालय के समक्ष कि सर्विस रोड और रिंग रोड का कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, यहाँ जिसकी वजह से गोवर्धन के जो आम वासी हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ियों में आने जाने में आवाजाही में बहुत दिक्कत होती है, जो यहाँ पे परिक्रमार्थी आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो ये सबसे पहले काम होना बहुत जरूरी है, रिंग रोड और सर्विस रोड का काम। कब तक का लक्ष्य रखा है? तो रिंग रोड का जैसा भी, क्योंकि यहाँ निरीक्षण में अभी अधिकारी गण भी मौजूद हैं तो उनसे बात हुई है, तो ये जल्दी से जल्दी जो बरसाना से रोड से और जो डीग रोड के बीच में जो हाईवे रिंग रोड जो है बनना है 2.9 किलोमीटर, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, करीब 4-5 महीने का समय बता रहे हैं जो लगेगा। बाकी अभी हम लोग रिंग रोड देख कर आ रहे हैं जो कि मथुरा रोड से राधा कुंड होते हुए बरसाना रोड तक का है, उसमें कुछ हिस्सा जो है वो करीब 48 मीटर का अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन गाड़ी उसमें भी निकल रही है, लेकिन अभी फिनिशिंग होनी बाकी, वैसे गाड़ियां चल रही हैं। और सर, ये सर्विस रोड के लिए जिला प्रशासन ने क्या रूपरेखा तय की? देखिए, सर्विस रोड के लिए अभी शासन में गया हुआ है प्रस्ताव, और न्यायालय में तो हम यही मांग करते हैं कि सर्विस रोड जल्द से जल्द बने, बाकी अब सरकार इसमें कब तक तय करती है ये देखते हैं। कमिटमेंट किया है।